अमरीश। हाँ जी। तुमने अभी हॉल में जो डिवाइड एंड रूल का सीन किया वो थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं हुआ? एग्जैक्टली डैड, मॉम इज राइट। रजनी की कंपनी में आई एम सॉरी टू से बट आपका भी दिमाग वियर्ड हो चुका है। पुत्र जी, ऐसा है कि सोच समझ के बोला कर और मुंह खोला कर, वरना तू अमरीश रेखा के इस पार या उस पार नहीं, इस बंगले की सड़क के उस पार खड़ी पड़ी मिलेगी। और वैसे भी हमने तुझे इस घर से जल्दी निकालना है, अपने मैथ्यू की ना उदा मकरन से शादी करके अपना घर बसाओ जाओ, ताकि मैं अपनी बाप वाली जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊं जो इस वेले मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। डैड, शोगु, हाँ, प्लीज बाहर जाओ। मॉम, ऑलराइट, व्हाटएवर। अमरीश जी, हमसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है आज। अमरीश। हाँ जी। ध्यान ने जो भी किया उसका जितना दुख तुम्हें है हमें भी है, लेकिन तुमने ये जो बार लकीर खींची है, जो फैसला किया, ये जो सजा सुनाई, वो ये तू बोल रही है? जो औरत सांसें कम लेती और सजाएं सबको ज्यादा सुनाती, बड़ी रोटी बनाओ, घर के सारे बर्तन मांजो, 2 घंटे में 1000 लड्डू बनाओ। आज मैंने जाजू बन के एक फैसला क्या ले लिया, मैं बुरा इंसान बन गया। अमरीश, क्या माफी मांग रहा है? हाँ तो मैंने उसकी माफी सुनी ना भाई, मैंने उसकी अर्जी सुनी और मैंने रिजेक्ट कर दी, मेरी मर्जी। वो मैंने तो कम से कम उसकी माफी सुनी तो सही, तू तो माफी मांगने तक का मौका नहीं देती। क्या कहती हो तू? घर को संभालने के लिए लगाम को खींच के रखना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, आपने ज्यादा छूट दे रखी है। मैं भी वही कर रहा हूं ताकि सबको सबक मिले। और रही बात रजनी की, तो रजनी को भी तो भाई सजा मिल ही रही है। प्लीज, हेलो, थोड़े टाइम के लिए रजनी को तुम्हारे दिमाग से निकाल सकते हो प्लीज? ये मत भूल के रजनी की वजह से ही आज तेरा बेटा ध्यान इस घर में किसी न किसी रेखा के इस पार उस पार है। वो बहुत अच्छी तरह जानती है बच्ची कि मैं अपनी बहू को सड़क पर सोता हुआ नहीं देख सकता। थैंक्स बोल रजनी को, जिसकी वजह से आज भी तेरा पुत्र इधर इस घर के अंदर टिका हुआ है। तुमसे तो बात करना बेकार है। हाँ जी, मुझे बेशक साल में एक बारी गुस्सा आता है, वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, वही वाली बात है। तो बस अब इस बात का ध्यान रहे कि उस ध्यान से ना तो कोई बात करेगा ना उससे कोई मिलने जाएगा। ग्रीन टी के लिए थैंक यू वेरी मच है जी। रोशनी, तुमने हमारे घर को तोड़ दिया और लोग हमसे पूछते हैं कि तुम रोशनी से इतनी नफरत क्यों करती हो? Oh my Sean and Dhyan, हाय, जमीन पे बैठने का मजा ही कुछ और है ना भैया? क्या फिर से बोलना? मैं कह रहा था कि जमीन पे बैठने का मजा ही कुछ और है। जमीन पर ही बैठा रहे तू, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? आपको पता है ना आप किसकी वजह से बाहर हैं? मेरी वजह से। करेक्ट, आप दोनों यहाँ मेरी वजह से हो। अगर मैं ना होती तो आप दोनों इस घर के बाहर होते। करेक्ट, हमें पता है और हमें कुछ चीजें तुमसे पहले पता होती है। थोड़ी देर चुप रहना बस,
हस्बैंड वाइफ प्राइवेट टॉक टू माइंड क्यों जा तकिया लेके आ दो ही है इधर हाँ अरे बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा ट्राई बाहुबली बाऊजी 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 आज से ये तकिया हमारा हुआ श्याम बाऊजी को मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही क्योंकि बाऊजी हमसे बहुत दूर हो गए हैं रजनी मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक वो हमसे सिर्फ 12 फीट और 3 इंचेस की दूरी पर है मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दिलों की दूरी की बात कर रहा हूँ इट्स वेरी इंटेंस गहराई का मामला है जो एक रोबोट की समझ में नहीं आएगा स्टे म्यूट हस्बैंड वाइफ डू यू माइंड अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए आपको तो बाऊजी का गुस्सा पता ही है ना जितना जल्दी चढ़ता है उतना जल्दी उतर भी जाता है देखना चाहती है ओ देखना चाहती है बाऊजी हेलो आज कौन बोल रहे हैं भाई साहब बाऊजी मैं बोल रहा हूँ भाई साहब लगता है ना आपने कोई गलत नंबर डायल किया भाई ध्यान से नंबर देख के ध्यान से फोन किया करो पैसे फोकट में थोड़ी ना आते बाऊजी मैं ध्यान ही बोल रहा हूँ देखिए कान पकड़ के खड़ा हूँ आपके सामने गलती हो गई माफ कर दीजिए ना भाई माफ आप हमको करो जी एक बारी आपको बोल दिया ना आपने गलत नंबर डायल किया हुआ है बार 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 वही बात बोल के क्यों बेवकूफ बना रहे हो अपना भी और मेरा भी सतनाम वाहेगुरु भाऊजी आप मेरे बगैर रह पाएंगे मेरे मुहावरों की आदत पड़ गई है आपको और मेरे फ्रेश जूस और स्मूदीज की भी इन सब के बगैर रह पाएंगे आप बाऊजी बाऊजी आप ही कहते हो ना कि जो भी गलत है मनुष्य थे उसके ऊपर मिट्टी पाओ तो नाचो गाओ फिर कब तक कनेक्शंस काटते रहेंगे आप अपना कद पहचान ते अपनी हद में रहे जे हद में नहीं रहेगा तो जे हद हो जाएगा बार बार वार्निंग दे रहा हूं तुझे अमरीश ये हमारे बच्चे के साथ क्या किया तुमने अभी सुरीली तू चुप कर प्लीज ये तुझे इतना ही बुरा लग रहा है ना आजा आजा तुझे बॉर्डर पार करवा दूं आ जा वा 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 बाय मुझे आप पैसों के खातिर मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं ओए अकल के दुश्मन जे ये 50 लाख रुपए तो किसी जरूरतमंद को देख के आता ना तो मैं तेरा मथा चूमता तुझे बधाइयां देता तुझे गले लगाता और खुश होके कहता कि शाबाश पुत्र आज दिल खुश कर देता अरे ऐसे बच्चे पर तो ऐसे 50 लाख कुर्बान कर दे ये अमरीश कांत पर ये गुस्सा किस वास्ते है जानता है तू ये गुस्सा तेरी छोटी सोच की वजह से ओए कंजरा तेरे चेहरे पे अभी भी लिखा हुआ है कि ये सब जैसे कोई मजाक है ये बाप है 2-4 दिन में 10 दिन में 15 दिन में भूल जाएगा ये भूल जाएगा तो फिर इंटर बाऊजी अमरीश क्यों नो यार प्रेशर को भी अभी बढ़ना था बाऊजी आज तक मैंने कोई गलती नहीं की है आप जानते हैं ना वहां
मैं आपका अच्छा बच्चा हूं ना। बीबी, I'm so sorry. अमरीश को अभी भी ऐसे लगता है कि तुम ही कसूरवार हो। और ये रजनी, जो ये महाभारत होने से रोक सकती थी, ये बेचारी बन गई अमरीश के लिए। सी रजनी, तुम्हारे इस घर में आने के बाद क्या हुआ इस घर का? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चुप क्यों? या फिर तुम अब ये कहोगी कि मम्मी जी, बोलने का फीचर मुझ में है ही नहीं? ओके, हमको पता चल गया रोशनी, हम सबके लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है। यू नो व्हाट, हमने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, वही हाथ हम आज वापस लेते हैं रोशनी। वो घर, हमारे घर को तुमने बिखेर के रख दिया रोशनी। रजनी, मुझे तो लगा था ये मैटर जल्दी निपट जाएगा, लेकिन ये तो और भी कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। देखो, इस वक्त घर पे ना सब लोग गुस्से में है, वो भी खास कर तुम पर, तो तुम जितना टाइम हो सके बस चुप रहना और ऑब्जर्व करती रहना, कुछ उल्टा सीधा मत करना है, ओके? अनम्यूट। ओके, परेशान। इधर ही सोना है रात को। थैंक्स टू योर भाभी, वी आर वनवासीज नाउ। खुले आसमान के नीचे सोएंगे हम इधर। आई नो भैया, इस टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया। इस टाइम पापा बहुत सीरियस है, मैंने उनको इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। इतना बड़ा झमेला भी उनके साथ कभी किसी ने किया नहीं ना। सॉरी। चल छोड़। पर मुझे उनकी ये लाइन का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। कहां तक है ये लाइन? किचन, बाथरूम, टॉयलेट सब जगह है, मतलब पॉट इस तरफ, बेसन उस तरफ, बार में भी लाइन है क्या? आई होप बियर अपनी तरफ पड़ी हो यार। चलो, लेट्स गो एंड चेक। शान। हाँ। हम वनवासी है, और वनवासी गद्दे या सोफे पर नहीं सोते, घास के बिछौने पर सोते हैं। सूखी घास हमारे घर में आई कहां से? तुझे इस वक्त ये बात बॉदर कर रही है कि हमारे घर में सूखी घास कहां से आई, राइट? रजनी, ये सब देख के ना मेरा पीपी बढ़ रहा है। I'm kind of losing it. Do you get it? हाँ, चेक करो, बताओ कितना है, बोलो। 140/100. Good. और बताओ। Relax, Shan. Relax. You want me to relax? You get gas. 143. 145. You're making me into one masi. You know what? You're on my 146/100. एक सेकंड. मैं चेंज करके आता हूँ। You guys take your private moment, okay? मैं मस्ती के मूड में नहीं हूं। आप तो कभी मस्ती के मूड में होते ही नहीं हो। आप हंस रहे हो, यानी कि मूड में आ रहे हो। यू नो, बेस्ट पार्ट क्या है तुम्हारे बारे में?
तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत सिंपल है, लाइक अ बाइनरी कोड, 0 and 1, ब्लैक एंड व्हाइट, गुड एंड बैड. पर हम लोग ह्यूमंस हैं, वी आर कॉम्प्लिकेटेड, वी डोंट फंक्शन लाइक दिस. ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मेरे डेटा के मुताबिक सब कुछ या तो सही या गलत होता है, सच या झूठ होता है, अच्छा या बुरा होता है, उसके बीच में कुछ नहीं होता है. और जो बीच में होता है ह्यूमंस के लिए, वही सब कुछ होता है रजनी. ओके, नाउ आई वांट टू स्लीप. आप भी कॉम्प्लिकेटेड बिहेव करते हैं शान. पहले मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता था, पहले मैं सिर्फ शान हुआ करता था, लेकिन अब मैं परेशान होने लगा हूं, क्योंकि एक रोबोट बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा ह्यूमन बन गया हूं, ज्यादा रिएक्टिव और ज्यादा इमोशनल हो गया. पहले शायद मैं एक रोबोट की तरह था, सब कुछ ब्लैक व्हाइट, अच्छा बुरा, सही गलत, गुड बैड, जस्ट लाइक यू. बट नाउ आई डोंट नो, मे बी. ये अच्छी बात है या बुरी बात है बताइए शान. आप तो मुझे घास ही नहीं डालते. लो रजनी, दिस इज घास, इट इज वेरी गुड, यू मस्ट ईट. ओके. गुड, अब मैंने तुम्हें घास डाल दी है, ये सारी घास तुम्हारे लिए है, रात भर जुगाली करती रहो, शान हैज टू रेस्ट. ओके, गुड नाइट. गुड नाइट. शान रुकिए, मैं आपके लिए बेड तैयार करती हूँ, आप बहुत थक गए हैं. गलती कर दी रोबोट को वनवास का मतलब बता के, नहीं गलती की रोबोट से शादी करके, नहीं गलती की रोबोट बना के, नो गलती की तूने साइंटिस्ट बन के, इनफैक्ट नो गलती की पैदा होके, या तो गलती पापा की है. प्रभु, विश्राम के लिए आपका बिछौना तैयार है. प्रभु परेशान. प्रभु humans complicated, they also snore. अगर humans कराटे मारना शुरू कर देते हैं, मतलब कि वो सो गए हैं. गुड नाइट परेशान. क्या कर रही हो? पहरा दे रही हूँ ताकि सरहद के इस पार कोई घुसपैठ ना करे. वेरी गुड. ध्यान कहाँ है? अरे देखो ध्यान कहाँ है, ऐसा ना हो कि अपने डिप्रेशन और गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठे. यार उल्टा सीधा करने ही गए हैं. योगा, ध्यान ने कहा योगा करने से मन को राहत मिलती है, आपको भी करना चाहिए, आपका तो नाम ही है परेशान. मुझे क्या करना चाहिए तुम मुझे मत बताओ, I am the creator, I know. और मुझे योगा नहीं करना, ध्यान को करना है, वो करे. Good for him. अकेला रहेगा, थोड़ा शांत हो जाएगा. ध्यान अकेला नहीं है, बस 2 मिनट पहले बाऊजी भी बाहर योगा करने गए हैं. What?